हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं अभी हिमाचल में हूँ, धर्मशाला में। काफी समय के बाद मैं अपना ब्लॉग ला रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गैप मैंने ले लिया था बीच में। और अभी देखिए, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सामने पहाड़ है, उस पर बादल है। अभी क्या मानसून चल रहा है, तो बारिश का मौसम है। अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है, सुबह तो बारिश हो रही थी। तो मैं हिमाचल में हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करनी है। साथ में मेरे हैं मनोज भाई, जो कि हिमाचल से ही हैं, भरमौर में रहते हैं, पर अभी हम लोग यहाँ पे धर्मशाला में आए हुए हैं। और ये एक नया सफ़र है, नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर बात की जाए यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, वो सब एक्सप्लोर करूँगा। जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, जो यहाँ का लोकल लाइट्स, जो फूड की बात की जाए, जो यहाँ के घर है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ नज़ारे। मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है। ये देखिए, सुबह तो यहाँ पे बहुत सारे बादल थे, बट अभी जो बादल हैं वो सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये है हिमाचल की खूबसूरती। सो अभी मैं आया हूँ धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम देखने। ये देखिए सामने है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, इसका जो टाइमिंग है बंद होने का शाम को 5 बजे तक है, बट अभी 4:20 हो चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। देखते हैं कितना एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये देखिए, तो अंदर एंट्री मिल गई है। और ये 30 रुपये का टिकट लगा है यहाँ पे। 5 बजे तक खुला हुआ है, उन्होंने बोल दिया। अब देखते हैं अंदर क्या देखने लायक है। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की। यही है हमारे देश का फ्यूचर भैया। यहाँ पे देखिए, नेट प्रैक्टिस वाला क्रिकेट है। और यहाँ पे 24 बॉल्स डाली जाती हैं, वो भी मशीन से। और इसका जो प्राइस है 100 रुपये है। यहाँ पे लिखा है वे टू विजिटर्स गैलरी। देखते हैं अंदर क्या है। सो अभी स्टेडियम के वेस्ट जो स्टैंड है, वहाँ हम जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरा जो स्टेडियम है उसका व्यू आने वाला है। ये देखिए, सो अभी काम चल रहा है यार। क्या है यार, मैंने सोचा था पूरा ग्रीनरी होगा। तो भाई स्टेडियम तो देख लिया, पर यार मज़ा नहीं आया। मुझे लगा पूरी ग्रीनरी होगी, व्यू आएगा अच्छा, बट यहाँ देखिए स्टेडियम में आके क्या दिखता है। अंदर चल रहा है काम, जेसीबी खड़ी हुई है। अब इनकी खुदाई देखो यहाँ पे है, पर नज़ारा अच्छा है यहाँ से। ये देखिए सामने पूरे पहाड़ हैं, उन पे बादल हैं, उस साइड भी थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा है। इतना कुछ अच्छा तो नहीं था, मतलब ठीक था, व्यू अच्छे आ रहे थे यहाँ से। बाकी स्टेडियम में तो जेसीबी का मैच चल रहा था ऐसा लग रहा है, उन्हीं की खुदाई चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब जो ये ग्राउंड है धर्मशाला का, जब पूरा ग्रीन होता है और जब यहाँ पे बादल नहीं होते पहाड़ पे, तो किस तरीके का नज़ारा आता है। ये देखिए सामने, इस तरीके का कुछ नज़ारा होता है जब मैच होता है, पूरा ग्रीन होता है और पीछे जो पहाड़ है वो दिखाई देते हैं। तो अभी वैसा कुछ नज़ारा मुझे मिला नहीं। और ये धर्मशाला का जो ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। स्टेडियम जाते वक्त तो ठीक था क्योंकि ढलान थी, बट अभी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है और गर्मी भी फील हो रही है यार थोड़ी। ये देखिए वेदर, क्योंकि खुला हुआ है, धूप आ रही है और बारिश हुई है, तो उसकी वजह से उमस हो रही है, तो पसीने आ रहे हैं यार गंदे वाले। अब देखते नेक्स्ट जगह क्या होगी।